अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे गन्ने से। और ये रहा मशीन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, मैंने अपनी कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था कि नेक्स्ट ब्लॉग कौन सी लैंग्वेज में बनाना है, तो आप लोग ने ज़्यादातर हिंदी को ही बोध किया, इसलिए मैं आज हिंदी से ही वीडियो बनाऊंगी। और गाइस, मैंने ये भी बताया था कि कॉक बोडोक मैंडेटोरी रहेगा, तो मतलब मैं कॉक बोडोक से भी ब्लॉग बनाऊंगी इस चैनल में, मतलब शेड्यूल में दो हिंदी होगा, मतलब दो हिंदी और दो कॉक बोडोक होगा। एक्चुअली ये न्यू चैनल है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए मैंने आपको से ही पूछा कि कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आप लोग ने हिंदी को ही वोट किया, तो मैं हिंदी और कॉक बोडोक दोनों से ही करूंगी। और आप खेत में ले जाने के लिए, गन्ने के खेत में। और यहाँ पर कामयाब नहीं हो रहा है, तो सेकंड टाइम तो अभी धीरे धीरे ट्रैक्टर को नीचे लाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बार एक्सीडेंट हुआ था इस जगह पर ही, जब मम्मी पापा और दीदी थे, तो तभी एक एक्सीडेंट हुआ था। और भगवान का शुक्र मानिए कि तब फैमिली मेंबर को कुछ नहीं हुआ था। तो ट्रैक्टर पूरा का पूरा यहाँ से गिर के एकदम पूरा नदी में चला गया था। अच्छा हुआ पापा ने तब हाथ छोड़ दिया था, वरना तो क्या होगा आप लोग भी इमेजिन कर सकते हैं। और ट्रैक्टर के साथ बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ है, और इसलिए पापा का पैर भी अच्छा नहीं है, ट्रैक्टर की जो टायर है वो भी लग गया था। बहुत बहुत एक्सीडेंट हुआ है, मतलब कहानी बोलने के लिए बहुत सारे हैं। और गाइस, यहाँ पर ट्रैक्टर को धोया जा रहा है, और इसके बाद इसको खामार में ले जाएंगे। विंटर सीजन है, इसलिए नदी में थोड़ा पानी बहुत ही कम है, बट समर सीजन में इतना पानी होता है कि ट्रैक्टर को नदी से पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। और अभी ट्रैक्टर को उठाने में अंकिल भी हेल्प कर रहे हैं, वो भी मार्केट पे जा रहे थे, बट एक से भले दो, दो से भले तीन, ऐसे करके ट्रैक्टर को उठा लिया। और गाइस, हमारे घर से हमारे जो गन्ने का खेत है उसका डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर होगा, तो हमें चल के इसको ले जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करके कोई कार से इसको उठा के नहीं ले जा सकती। ठीक है, हाय हिंदी, गुड मॉर्निंग।
सो गाइस, हमारे ट्रैक्टर का नदी पार करना तो हो चुका है। अभी मम्मी जा रही है खेत में और ट्रैक्टर डायरेक्ट या इस मेन रोड से खामर में ले जाएंगे, क्योंकि अभी विंटर सीजन हो चुका है। तो अभी गन्ने का सीजन है, मतलब गुड़ का सीजन है, तो गुड़ को पाक देने के लिए। सो गाइस, ये रहा हमारा गन्ने का खेत। और ये देखो यहाँ पर मम्मी क्या कर रही है, यहाँ पर मम्मी गुड़ बना रही है। और ये देखो इतना बड़ा इसको क्या बोलते हैं, कढ़ाई, और इतना भरा चूल्हा पे यहाँ पर गुड़ बनाया जा रहा है। और ये देखो ये रस है, गन्ने का रस है, और इसको सुखाते सुखाते इससे ही गुड़ होगा। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे गन्ने से गुड़ बनाते हैं। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू भी दिखा जाता है। ये देखो यहाँ पर नदी भी है, ये देखो नदी, यो, और क्या क्या है, क्या क्या है। और ये देखो ये छोटा सा खमार है, इसको हम खमार बोलते हैं। वाओ, नुया। और ये रहा मशीन, और ये रहा जो इससे बनाते हैं ना, वो पता नहीं क्या है। ओ माय गॉड। सो गाइस, अभी दोपहर हो चुका है, तो मैंने अपना लंच ले लिया है। तो मैंने लंच में लिया है, यहाँ पर है मूला एंड सम क्या मूला बीन्स, देखे एक सूखी तरकारी बनाया है, यहाँ ड्राई फिश बनाया है, और ये है पोर्क करके कल की पोर्क करी। और यहाँ पर मैंने लिया है ये इमली, मुझे खाने के साथ इमली, राइस के साथ इमली बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैंने कुछ लीव्स लिया है। तो चलो शुरू करते हैं। बिल्ली भी आई है खाना खाने के लिए, तो सबसे पहले मैं ये शूट की तरकारी से खा लेती हूँ। मम्मी ने बनाया है, तो मम्मी लोग तो खेत में जा चुकी है, तो इसलिए खाना बनाकर रख कर जाता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, आप लोग खाने के साथ ये कुछ खट्टा लेते हो कि नहीं। सो गाइस, मैं अभी खा रही हूँ पोर्क से, और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताएगा कि किस किस को पोर्क पसंद है। फाइनली मुझे तो पसंद है पोर्क, तो ये कुछ लिप्स ले लेती हूँ। और मुझे खाने के साथ कुछ रॉ लिप्स चाहिए होते हैं, या फिर कुछ अचार। और ये भी बताइए कि सैटरडे में आप लोगों के घर में क्या लाया है। और तेल और आज संडे है, तो तो मैं इवनिंग में एक डांस शूट करने जा रही हूँ, तो मैं उसमें मिलते हूँ। ओके, बाय बाय। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये रहा मेरा कैमरा मैन ट्राइपॉड, और ये भी मेरे फ्रेंड ने ही दिया है। तो नाउ मैं ट्रेडिशनल लुक में रेडी हो चुकी हूँ। तो अब मैं जाऊँगी मेरे लोकेशन में, मेरे घर के पास में ही एक ब्यूटीफुल लोकेशन है, तो मैं वहाँ पर लेके जाती हूँ। मैं बिल्कुल दुखियारी आत्मा की जैसे लग रही हूँ अभी। और गाइस, मुझे एक मेरे फ्रेंड का शादी है 1 दिसंबर में, तो इनविटेशन मिल चुका है। तो 1 दिसंबर में मेरा कज़न सिस्टर का भी शादी है, तो एक साथ मैं दो शादी अटेंड करने जा रही हूँ। तो बट कैसे अटेंड करूँगी, तो ये तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। तो वीडियो को देखना भूलना मत 1 दिसंबर में। ओके, 1 दिसंबर में शूट करूँगे, तो 2 दिसंबर में अपलोड हो जाएगी। यह हमारे सुपारी बागान है। और या वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब अभी से करके जाना, और नोटिफिकेशन को क्लिक करके जाना। ओके, तो अभी मैं डांस करती हूँ। ऑडियंस राव।
खजांग लका खा पाना हाय हि दे ए हि फिमे थाता खरंग तो दे ओक्सो गाइस हमारा डांस हो चुका है, तो इनमें से कुछ मेरा स्टूडेंट है और कुछ तो नहीं है और कुछ है 7-8 सो और आज की कैमरामैन है उनको कैमरामैन जब सारे कैमरामैन क्लास 6 में पढ़ते हैं, तो पता नहीं कैसा किया कैमरा, मुझे भी पता नहीं, कुछ कुछ अच्छा हुआ कुछ कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में यहीं पर डी एंड करती हूँ, बाय।